सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये पंक्तियां महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की हैं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के अग्रणी स्वतंत्र सेनानी ही नहीं, उच्च कोटि के कवि, शायर, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने के लिए धन की ज़रूरत थी, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना काकोरी गांव में लूट लिया गया। इस योजना में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल को बेरहम ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर उनके जीवन की लीला समाप्त कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल ने 19 वर्ष की छोटी सी आयु में क्रांति की मशाल हाथ में थाम ली थी और 30 वर्ष की आयु में फांसी लगने तक अपने जीवन के मूल्यवान 11 वर्ष देश को स्वतंत्र कराने में लगा दिए। तो आइए हम सब भी अपने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि दें और मिलकर बोले भारत माता की जय।